तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दा समा ये मौका सानू बनिया है गुरु हजूरी नू माणदे आ प्रभातरी दीवाना विच आसा की वार दा कीर्तन होया उपरंत अरदास की शमूलियत के नाल अज का गुरवाक बचना का पाठ आपने स्रोत पा लिया है। हुण पाठा का दोहराव नहीं होएगा। बनते समय विच इन्हां गुरवाकों की असीं तकरीर करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग के नाल गुरबचना की तकरीर प्रारंभ करते हैं। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरवाक राग सोरठ की रचना है। महला तीजा गुरु अमरदास पातशाह नानक जोत के तीसरे जानशीन इस बचन नूं उचरित कर रहे हैं। विचार दा आगाज मुख सुनेहे तो कर रहे हैं। गुरुदेव जिक्रे करते हैं कि हर के दास सुहेले भाई जन्म जन्म के किलबिक दुख काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। हर के दास सुहेले भाई मनुखी जीवन दे गुणात्मक पक्ष नूं गुरबाणी वार वार उचेरा चुकण दी गल करदी है। ते जदों गुणां दे लहजे तों गुणां दे पक्ष तों बंदा अपनी आत्म उसारी करदा अपने आप नूं उच्चियां चुकदा ते उहदे बेनीफिट्स जिहड़े ने उह वी बाणी साडे सामने उहनां नूं एक्सप्लोर करदी उहनां नूं साडे सामने विखाउंदी है। जे इंडीड आपां कोई भी बाणी दी सत्र देखदे आं ते दोनों थॉट्स नाल दी नाल चलदे ने। एक थॉट इह दसदा आ कि आ गुण अख्तियार किया जाए या इस गुण अख्तियार करने का तरीका आ हो सकता है। दूसरा नाल दी नाल थॉट यह आता कि जे इस गुण नूं असीं धारण करते हाँ गुण अपनाने तो इहदा जिहड़ा रिजल्ट आ उस रूप में आएगा। जिवें आही बचन आ हर के दास हरी अकाल पुरख वाहिगुरु दे डिसाइपल हो जाना। दास मीन बड़े हंबल वे दे नाल उस रब्बी हस्ती दे नाल अपनी सांझ बना लैनी। जे कोई इस रूप च अपने आप नू जोड़ लवे अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल उहदे सदका की रिजल्ट मिलेगा? सुहेले भाई सुहेले हो जाओगे। सुहेले इहदे अर्थ वैसे सुखाले भी हुंदा आ कई तरीके नाल टीकेकारां ने कीते ने पर एक्चुअली आसानी पैदा हो जानी जीवन में सुखेला हो जाना जीवन आसान हो जाना। बंदे नूं होर ते गल्लां छड़िए जिस समय चों अज असीं लंघ रहे हाँ मतलब मैं ते देखता मैंटल हैल्थ दे विच एंग्जाइटी दा स्ट्रैस दा वक्रे वक्रे पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डरस जिहड़े ने उन्हां दी जदों गल हुंदी है असीं देखते हाँ लोग कई बार ये भी दसते ने मतलब छोटे बच्चों तो लैके तो उम्र दराज लोगों तक आई कैन नॉट ब्रीथ वट वट्स रोंग इज देर एनी काइंड ऑफ एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम इन योर थ्रॉट इन योर एक्चुअली लंग्स? नो एवरीथिंग इज फाइन बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ। की होया की है? मैं एंक्शियस फील कर रहा एंग्जाइटी हो गई है मैं। बंदे लई धरती ते क्या गया कोई भी काम औखा नहीं। बंदा सब काम कर सकता पर यह भी हो सकता बंदे लई कुदरत दा जिहड़ा दित्ता होया सब तो वधिया शगुफ्ता इहदे वास्ते जिहदे नाल जीवन चलदा आ ब्रीथिंग वो भी हार्ड हो जाए पॉसिबल आ। साह लैना भी औखा हो जाए बंदे लई बंदा कई वन आई कैन नॉट ब्रीथ मैं फोर्सफुली सह लेना पै रहा हूँ। इहो जी
जीवन दे विच क्या जाए बंदे लई ते धरती दे उत्ते चलो एक एक गल कीती छोटी जी साह लैण दी इस तो बिना स्वॉलो करना हत्थां पैरां नूं हिलाउणा तुरना कमकार करना मिलना गिलना सोशल लैवल ते किसे दे नाल सांझ पाउणी बंदा कहिंदा बहुत हार्ड आ सोशल एंगजाइटी हो जाती मैं इस किस्म दीआं गल्लां सुणदे आ सो सारा कुछ बड़ा औखा आ पर सच्चाई ये है बड़ा सौखा आ फिर औखे ते सौखे दे विच की कि चीज़ है जिहड़ी इहनूं औखिया बना रही कि चीज़ है जिहड़ी सौखिया बना रही है आही बाबा जी समझा रहे ने विच कोई धरती ते मुश्किल नहीं बंदे वास्ते जे बंदे दे अंदर हर के दास अपने आप नू हरि अकाल पुरख वाहिगुरु नाल एसोसीएट करना आ जाए ते करन कराउण वाला ओह है मैं उहदा बहुत छोटा जिहा एक जर्रा वां मैनू उसने ये जीवन दे के बख्शिया है नवाजिया है तो इस गिवन एनर्जी दे नाल कुछ ओबलीगेशनस कुछ ड्यूटीज ने एंड आई हैव टू फुलफिल दोज ड्यूटीज किन्ना औखा आ दैट इज कॉल्ड हर के दास यदि इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा तुहाडे सामने बाणी वार वार कह रही सारा शब्द हुक्म ते है एंड दिस इज कॉल्ड हुक्म कई बार बीती छावें बच्चों नाल सीगा एंड दे वर आस्किंग मी Who's gonna tell us what is the Vaheguru Ji's will or Vaheguru Ji's actually Vaheguru Ji's order? भाई गल ये है जो एक यूनिवर्सल ला आ उन्हों समझन लग्या बहुत ही देर नहीं लगती मनुख इको चीज दे विच जा के अपने आप नू स्टक कर लेंदा है एरोगेंस अहंकार जिथे इथे स्टक हो गया हर चीज औखी हो जाएगी ईवन आकड़ के तुरना भी औखा हो जाएगा आप ट्राई करके देखो कदे जस्ट मैं बिल्कुल स्टिफ होके आकड़ के तुरांगा की होएगा आई वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली किते ना किते ते अपने आप नूं थोड़ा फ्लैक्सीबल करना पएगा ना निवना पएगा लिफना पएगा झुकना पएगा ये दास बिरती है यह है हम्बलनस हलीमी निम्रता डाउन टू अर्थ बंदा इस चीज नूं अडॉप्ट करे फिर यह भी हो सकता है डरिया होया सहमिया होया बंदा मतलब अपने आप नूं नवाई जाए लफाई जाए चुकाई जाए दैट्स ऑल्सो नॉट गुड ये बल्कि होर दिक्कत खड़ी कर देगा जिथे बंदा समझ दे नाल सोझी दे नाल जिहड़ी जिन्हों साहब ने कहा जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवन उहदे अगे निवो जिहदे अगे सारे निवदे उहदे नाल सांझ पाओ जिहदे नाल सांझ पाउणी साडी बणदी है उस हायर लैवल दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे स्कूल ऑफ थॉट दे नाल उस नूं बंदा सुपीरियर लैवल ते एक्सैप्ट करे अडोप्ट करे समझे निहारे ते फिर उहदे नाल जीवन अपने नूं चलाए आसान हो जाएगा सौखा हो जाएगा नहीं तो जिनी कि मेरी मत आ अपनी मत मुताबक आ शब्द दी फोकस करेगा सारा मैं अपने लिए आप ही ट्रैप बनाई जावांगा जिवें मकड़ी है आप सोच सकते हैं जिवें असी जिहड़ी दुनिया च रह रहे हैं इहदे बहुत ज्ञान एक्यूमुलेट किया जाता है उहदी एक्यूमुलेशन तो बाद उहदी प्रेजेंटेशन हुंदी है ते विजुअल मीडिया च भी बड़े बड़े लैवल पर आती है जिमें जिहड़ी एक पूरी की पूरी मूवी सीरीज बनाई सी स्पाइडरमैन स्पाइडर की है स्पाइडर इंतहा की ताकत तो इंतहा की कैपेबिलिटी का मालिक आ मतलब वह सिर्फ छोटा जहा वह साइज ना देखा जाए उन्होंने किवें मारोगे जितों मर्जी सट दो उन्हें उत्थे लटक जाना उहदे कोल कुदरत ने इहो जी ताकत दित्ती है उहदा मूंह दा रेशा ही उहदे वास्ते सब तो वड्डी हैल्प आ जिहड़े पासे नूं मर्जी उह मूव कर सकदा चार चपेरे उहदीआं लत्तां ने उसनूं किसे तरीके नाल ते इतनी सेंस आ उसनूं कि कमाल ही आ
ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੋਗੇ ਉਸਨੂੰ? ਸਪਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਪਾਈਡਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਫਸਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੈੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ? ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਦੇ ਲਵੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਨ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੋਟਸ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਸ ਡਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਰਾਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਥਿੰਗ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰ ਵੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਯੂਜਲੀ ਡਿਸਕਸ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਰਪਣ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਆਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੈਸਟਿਡ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 60 ਕੋ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ 70s ਵੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲੋ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 50-60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ,
खाना पीना सब जिहड़ा हैगा उह घट रहा सब तरीके नाल बंदा सोचदा की मीनिंगफुल लाइफ कादी रह गई हुण पर इत्थे आ के सुखाला। गुरु अमरदास साहब ने बचन कहे भगत फरीद जी का बयान कर दे काली जिनी ना रावे आ धौली रावे कोए कर साई सो पिरहड़ी रंग नवेला होए। काली जदों सिर दे वाल काले ने दाढ़ी काली है मीन जदों जवानी का टाइम आ उदों बंदा अपनी एनर्जी चंगे पासे लाए ठीक है रब वाले पासे लाए जो टाइम लंघ गया धौली जदों चिट्टा हो गया सब कुछ दैट्स वेरी हार्ड इट्स नॉट गोना बी एक्चुअली हैपन एज इट माइट हैड हैपन इट माइट हैव हैपन अर्लीयर एक्चुअली यंग एज बट हुण ते हो नहीं सकदा उस लैवल ते। पर गुरु अमरदास साहब ने प्रूव किया क्या ना काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे भावें काला भावें धौला समा है जे तुसीं समर्पण दे नाल चलोगे बात बन जाएगी। गुरु अमरदास साहब ने आप बनाई इस रूप दे च क्या हर के दास सुहेले पाए जन्म जन्म के किलबिख दुख काटे जन्मा जन्मांतरां दे किलबिखां वाले दुख। इसनूं जे बिल्कुल मॉडर्न लैंग्वेज च कहना होए आवर ट्रेट्स जिहदे च साडा जिहदे चों साडा बिहेवियर रिफलैक्ट करता है दो तरह के थॉट्स साडे अंदर होंदे ने कुछ थॉट्स जिहड़े पॉप अप होंदे ने अंदर ही अपने आप ग्रैब करते हैं बाहरों असीं लै लैंदे हां एज ए रिसैप्टर साडा जिहड़ा ब्रेन है उन्हां नूं रिसीव कर लैंदा है कुछ नूं जनरेट करदा उह कुछ नूं रिसीव करदा रिसैप्टर दे तौर ते। हुण सपोज़ इहनूं सिंपल किया जाए बच्चा आया वो कोई चीज कम करदे च तुरिया फिरदा है सारे घर दे उहदे सामने डेमोस्ट्रेशन कर रहे ने सही दी चंगे दी सारे रूप दे विच ते समहाउ उहदे कोलों कोई चीज़ टुट जाती है डिग जाती है एकदम सर्वाइवल उहदा जिहड़ा हैगा वो मूड सब बाहर आंदा है ते उहनूं पुछदे वी आ की किवें होया हुण तुसीं देखे आई डोंट नो मैं नहीं तोड़िया ओ इह की होया झूठ बोलिया क्यों झूठ बोलिया सरवाइव करना है पर यह स्ट्रैटेजी आई कितों अंदरों पॉप अप हुई है किसी ने नहीं सिखाया यह पॉसिबिलिटी है जरूरी नहीं बाहरों सानू सारा इन्फ्लुएंस बैड करे ना या चंगा करे ना अंदर भी है अंदरों ही पॉप अप होंदिया चीजा जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार अनाली कैरी करी फिरदा जो असी मैमरीज की गल करते हैं ना मैमरी कोई एक लैवल की नहीं होंगी अभी तो इंस्टेंट मैमरी से ज़्यादा फोकस करते हैं कार्मिक मैमरी भी है अटोनमिक मैमरी भी है जिहड़ी जनरेशन बाय जनरेशन मैमरी कैरी हो रही है इस रेशे रेशे च इहदे च इहदे जीन दे विच जे 20 पीढ़ियां पिछे चले जाइए जिवें दीआं मेरियां आईलैशेज ने जिवें दे मेरियां आईज़ का रंग आ जिवें दा मेरा रिटाइना हैगा सारा दा सारा 20 पुश्तां पिछे चले जाइए मेरा लक्कड़ दादे उन्हां दे दादे या कोई लक्कड़ नाने उन्हां दी अखां बिल्कुल एवें दीआं होणगीआं जीन्स कैरी कर रहे ने उस चीज़ नूं एज इट इज़ दसां पीढ़ियां दे पिछे फोटोआं रख के एवें देखोगे राइट वे पता लग जाएगा ओह माई गॉश चेहरे रिफलैक्ट कर रहे हैं एक दूजे च हाँ जीन्स वो छोटा जिहा जिहड़ा टाइनी स्पैक हैगा छोटा जिहा जिस लाइफ आई है वो नाल ही कैरी कर लिया सारा कुछ बिल्कुल उस रूप के अंदर तो कला यह नहीं गा फिर आदतां देखोगे तुसी असीं एडिक्शन च काम करते हैं ज़्यादातर एडिक्शन जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा अगे कितने एक दी जनरेशन बाईपास हो गई अगली फिर आ गया जिस पिछोकड़े देखते हैं कल मैं कुछ ADHD बारे साड़ी कोई डिस्कशन चल रही सी वैबिनार थे तो पता लग रहा सीगा ये जीन्स कैरी कर रहे हैं जेनेटिकली अगे दे जनरेशन पास हो रहा सो ये पॉसिबिलिटी है जन्मा जन्मांतरां दीआं चीज़ां साडे नाल तुरियां आउंदियां ने महाराज कहिंदे जन्म जन्म के किलबिख दुख काटे इन्हां दुखां तों किवें बाहर निकले हर के दास मिट्टी सपोज करो मिट्टी है ना है बारली मिट्टी असीं देखते हैं उस मिट्टी दे च इक अपना उहदा उहदी इक अपनी
आभा आ, एक अपना उहदा वजूद आ, उहदा अपना टैक्सचर आ, उहदी अपनी एक खास किस्म दे नाल उहदी बनतर आ। पर फिर भी जे कोई बहुत आर्टिस्टिक एबिलिटी वाले हैंड्स हैगे ने, जो कोई बहुत उम्दा ब्रेन हैगा आ, ये मिट्टी अपने आप नूं उहदे सामने रख दे भी ओके यू नो मैं अपना आपा डेडिकेट कर दं कर दी हां तैनूं, तू जो मर्जी बना दे। जे उहदे कोल ओह आर्ट एबिलिटी हैगी है, वह माड़ी तो माड़ी मिट्टी तो भी वह बना देगा, शाहकार होएगा। ये गुरु का कारज है। इवन दो आई एम नथिंग, आई डोंट हैव एनी सोर्ट ऑफ वर्च्यू, एनी सोर्ट ऑफ क्वालिटी, बट स्टिल इफ आई डेडिकेट माई सेल्फ टू वर्ड गुरु स्कूल ऑफ थॉट, देन दैट स्कूल ऑफ थॉट कैन डू ए लॉट। दैट स्कूल ऑफ थॉट एक्चुअली कैन शो मी मिराकलस काइंड ऑफ आउटकम। बाबा जी ये एम्फेसाइज कर दे, किंदे होया ए जन्म जन्म के किलबिख दुख काटे, आपे मेल मिलाई, आपे मेल मिलाई। फिर वो आपे साडा मिलाप करवा देंदा, आपे मिलाप। कुछ चीज़ां ऐसिया ने जिहड़ियां चाहते तो ही सारे ही पर होंदिया ने गियां। क्यों? क्योंकि ये जिवें कोई पैरामिड बनना होंदा ना, इस तरीके दे नाल कोई एक चीज़ उहदे च रोल प्ले नहीं करदी। सपोज मैं कहां मेरी बड़ी एफर्ट जिहड़ी है वह मैं बहुत वधिया इंसान बना देगी, बल्कि बंदे बहुत ज़्यादा जो एफर्ट कहते चंगे बनने की कोशिश करते चंगे तो नहीं लै बाला चंगा बन बन के पैंदा है, वह बल्कि नफरत उन्होंने हो जाती लगता भी ये क्यों हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड सो दैट आई कैन फील गुड, बट हेयर हेयर आई एम फीलिंग मोर बैड, यू नो वाई इट्स हैपनिंग टू मी। आई हैव हर्ड सो मैनी टाइम पीपल यूजली से भाई साहब वाई इट्स हैपनिंग लाइक दैट। पर कारण यह है, ये पैरामिड आ, ये तुहाडे कल्ले कीते नहीं होना, आपे मेल मिलाए तरसिया उहदा। इत्थे हुक्म दी गल फिर समझण वाली गल आएगी। हुण शुरुआत च आपां कुछ रंग इहदे वेखदे हां जिहदे गुरु अमरदास साहब कहिंदे ने, सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवै। सिख सखा बंधप, ये सारे शब्द सिनोनिम ने, ऑल वर्ड्स आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। सिख सखा बंधप, सिख होना डिसाइपल होना आ, सखा होना फ्रेंड होना आ, बंधप होना रिलेटिव होना है, मतलब उस रूप में। असी गुरु दे स्कूल ऑफ थॉट दे कुछ भी बन सकते हैं, डिसाइपल भी बन सकते हैं, फ्रेंड भी बन सकते हैं, तो असी रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं। सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवै। ये सारा कुछ पॉसीबल आ जे असी दे भाणे विच, भाणा एक कह लो गिवन एरिया आ, तो गिवन एरिया बाहर जियोग्राफिकल साइड तो नहीं हैगा, साड़ी सोच दे विच, जिन्हों ऑरा कहता ला ऑफ अट्रैक्शन वाले ने सारे रूप दे विच, साड़े सोचण दा एक दायरा आ। जो सोच का दायरा गुरु की आइडियोलॉजी चो रिफलैक्ट होकर आ जाए, असी गुरु के सब कुछ ही बन सकते हैं, डिसाइपल भी बन सकते हैं, गुरु के फ्रेंड भी बन सकते हैं, गुरु के रिश्तेदार, रिश्तेदार कौन दे पुत्तर धियाँ औलादा ये भी बन सकते हैं। गुरु इज़ ओपन फॉर एवरीथिंग, वो कहता मैं सब कुछ देने तैयार हाँ तेन। इट्स डिपेंड कि तू उस सोच के दायरे च आएगा। ईवन जरूरी नहीं तुहाडा कोई मतलब जिवें सपोज एक टीचर है तो उहदा स्टूडेंट आ, टीचर तो स्टूडेंट दोनों डिफरेंट ऑरा कैरी करी फिरते हैं, जिथे स्टू टीचर लियाना चाहता उ स्टूडेंट आ नहीं रहा, की होएगा वो क्लास हो गए भी नहीं है। इन बिन फ्रेंड्स समटाइम एक्चुअली वी हैव समवन क्लोज बाय, कोवर्कर, फैमिली फ्रेंड, नेबर, बट स्टिल टू डिफरेंट ऑरास, मिसमैच एंड बंधप। यस मतलब एक ऐसा कॉम्प्लैक्स ये सारा कह लो कि एक सब्जेक्ट आ। माँ जिन्नी मर्जी सियाणी होए अपनी औलाद नूं सियाणा बना सकती है, कल्ली अपनी एबिलिटी नाल नहीं बना सकती। बच्चा चाहे भी माँ तो सियाणप लैनी, लै सकता है नहीं लै सकता।
क्योंकि जिहड़ा वह जिनी देर तक जिहड़ा उन्हां दा ओरा है जिहड़ा सोच का दायरा आ जे वह मैच नहीं आता। ये गुरु बाबा जी बयान कर दे गुरु देण लई तैयार आ पर तेरी सोच का जिहड़ा दायरा आ वह मैच हो रहा। उहदे क्या सो सिख सखा बंधप है भाई जो गुर के भाणे जो गुरु नू पा जाए जो उसदे उहदे उहदे च उस क्राइटेरिया च मतलब मैच कर जाए अपना भाणा जो चलै पाई विछुड़ चोटा खावे। पर जिहड़ा बंदा कहे भी हू केयर मैनू कोई केयर नहीं हैगी अब अपनी मर्जी नाल चलना है विछोड़ा बिल्कुल सही है सीधे तौर पर। लोंग रन दे विच कोई भी रिश्ता सिर्फ इस करके ये खून दे रिश्ते ने ये फैमिली रिलेशनशिप या नहीं निभदा साडा संसार सामने है सारा सब विछोड़े हो जाते हैं। बाबा जी बयान कर दे बिना शक मैं कहां कि मैं एज ए बिलीवर मैं गुरु च बिलीव करदा पर जो भाणे वाली गल नहीं बन रही जो विचार तारक मैच नहीं हो रहा वो हम ख्यालियत नहीं हो रही विछुड़ चोटा खा बिन सतगुरु सुख कदे ना पावे पाई फिर पछोतावे। सतगुरु गुरु अमरदास साहब के बचन ने सतगुरु नू सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठा मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करे विचार। गुरु की सांझ गुरु की विचार की सांझ है गुरु के ख्यालों की सांझ है बचना की सांझ है जे वह सांझ ना बनी होर कोई सांझ नहीं बन पाएगी। इत्थे क्या बिन सतगुरु सुख कदे ना पावे सतगुरु दे स्कूल ऑफ थॉट नू डिसाइपल होके प्रॉपरली फॉलो करन तो बिना आ सुहेलेपन वाली बात ना बनेगी फिर पछोतावे तखीर बंदे पछताएगा। तो अगला बचन है यह कुटुंब सब जी संसारक रिलेशनशिप की गल करिए जे आप जिदे असी जी रहे आर परिवार दे विच ये साडे वास्ते सिरदर्दी तो बिना होर कुछ भी नहीं बंधप है बस। बंदा मतलब कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया आ असी चाहिए ना चाहिए साढ़े मोस्टली वास भी नहीं होंदा बिना आप सोचता आ मैं विक्टिम आ अपनी फैमिली का अपने पेरेंट्स का अपनी उस सारे जड़ा है कलान का जिदे करके सब चीज़ा हो रही ने तो हों कि जिमें आप थोड़ा अगे जाके देखता फिर कहता भी कमाल है मैनू एवं समझ मैं इन्हों विक्टिमाइज कर रहा मैं तो बल्कि हैल्प कर रहा सेम वे अर्ली एक्चुअली जी वट्स एक्चुअली जोड़ा इशू कितने है सारा इशू हैगा चीज़ा प्रॉपरली एक डिसिपलनरी मैजर्स के नाल अडोप्ट ना करन करके जिहड़ियां साडियां बाउंड्रीज ने जे क्लीयर नहीं होणगियां साडे वास्ते असीं स्टक हो जाएंगे। जिवें वैब की गल कीती सी वैब है यही सुख देंदियां ने चीज़ां परिवार रिश्ते नाते संबंधे ही यही दुख देंदे ने बंदे दे अंदर कलेश इन्ना करके ही है बंदे दे अंदर सुख भी इन्ना करके ही है। इहदे च जिथे बैलेंस हैगा तो बैलेंस किवें आवे एक तो है मैं अपने मन नाल बैलेंस लै लिया ये नहीं बाबा जी कहिंदे बाबा जी कहिंदे तू गुरु दे स्कूल ऑफ थॉट दे अकॉर्डिंगली इस चीज़ नूं कर जिक्र आया अदरवाइज यह कुटुंब सब जी के बंधन पाई भरम भूला सह सारा तो संसार फिर भटक गया भरम गया बिन गुर बंधन टूटे ना ही गुरमुख मोख द्वारा मोक्ष का द्वार सैलवेशन गेट वे ऑफ सैलवेशन कितने होर नहीं गा यह संसार नभाने ही है रिश्ते नाते नभाने ही है पर नभाने की जो जाच आ जाए तो कर्म करें गुर शब्द ना पछाणे मर जन्मै वारो वारा। हाँ बंदा गुर शब्द हुक्म जिहड़ा असल हुक्म है गुर का हुक्म वह नहीं पछाण रहा तो उहदे करके सारी एफर्ट पा रहा पूरी एनर्जी जीवन की ला देंदा तो सफर मुकद ही नहीं दोबारा फिर अगे चालू हो जाता रीइनकारनेशन चली जाती मर जन्मै वारो वारा। हाँ मेरा जग पलच रहा भाई कोई ना किसी घेरा बाकी ये मैं मेरी तो चक्कर च पिया मैं आ मेरा आ बगाना आ बाबा जी सानू संसारी तौर पर कुदरत ने यदि कस्टडी दी सब तो पहला ये बहुत सारिया होर चीज़ा दिती है वी डोंट ओन एनीथिंग मैं इनू ओन नहीं करता इस चीज़ को ना जे मैं ओन करा तो मेरे मुताबिक चले लोग मतलब रोज़ इस चीज़ को असं देखते हैं कमा आ एलर्जी सीजन आ कौन चाहता मैं एलर्जी छिका मारा मैं कौन कहता सरूप साड़ी कोई जोर चलता है उत्तर नैवर एवर
जे मैं ओन करदा तो मैं कहा मेरे मुताबिक चल हद हो गई, आई आई एम द ओनर, नो नो यू आर नॉट द ओनर, यू आर जस्ट कस्टोडियन। जिदी अपनी ओनरशिप है वो अकॉर्डिंगली सब चल रहा है, तू तो सिर्फ इसनों थोड़ी देर लिए माण रहा जी रहा उस रूप के। बाबा जी बयान कर दे कि हों मेरा जग पलच रहा पाए, ये गवाच गया कोई ना किसी घेरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा। जिहड़ा गुरु वल मूँह करके असल रब्बी गुणा नूं गाउंदा उहदा निज घर दे विच असल जिथे साडा साडी चेटक लगनी चाहीदी उत्थे लग जांदी जाके। इत्थे बूझै सो आप पछाणै हर प्रभै तिस घेरा, इसे संसार विच रहिंदिआं जिस चीज़ नूं पछाण लैंदा उह हरि अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर ते प्रवान पै जांदा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाईऐ, एक नदर कर वेखै सभी उपर, जिहा पाओ तिहा फल पाईऐ। बाकी गुरु ते सदा तरसदा घर आ, असीं अपना रोल प्ले करना, जिहो जिहा भावना साडी उहो जिहा फल साडी झोली च पएगा। अंतरी लाइन नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाई है। ये नानक अपना आपा विचों गवा दे, दास बिरती चा जा सेम वे है, हर के दास सुहेले पाई, विचों आप गवाई है। दास तां बणांगे जे विचों आपा आप गवावांगे, जे अपना आपा गवा देंगे विचों फिर जीवन सुखाला है। फिर तो गुरु की दसी मत नूं मैं फॉलो कर रहा, करतार का हुक्म वो बजाया जा रहा है, तो मैं तो है ही कुछ नहीं गा। सो मेरा जो है ही कुछ नहीं, then why I'm feeling so much burden and why I'm feeling so much actually unhappiness, everything's whatever is happening, whatever is I'm actually getting, that is a bliss, that is a bakshish. Inniyan ki bintiyan nal khema ithe samapan karde keh dena ji, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.